गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं बनाती हूँ अपने किचन में आप सबके लिए हक्का नूडल्स। हक्का नूडल्स के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं कुछ टमाटर काट के। मैंने यहाँ पे 1.5 टमाटर कट किया है और एक गाजर कट कर ली है, एक ये कैप्सिकम शिमला मिर्च कट कर ली है और कुछ हरी मिर्ची और प्याज कट कर ली है। मैंने प्याज लंबी कट की हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा करी पत्ता ले लिया है और ये दालचीनी और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये थोड़ी सी सरसों मस्टर्ड सीड्स लिए हैं। जिंजर गार्लिक पे अगर हम तभी कद्दूकस करके डालते हैं तो उससे हमारे खाने का टेस्ट और बढ़ जाता है और खाना हमारा बहुत लजीज बनता है। तो चलिए अभी मैं आपको लगाते हैं हक्का नूडल्स में तड़का। और ये मेरे हैं हक्का नूडल्स, ये मैंने बॉईल कर लिए हैं। मैंने बॉईल करके इनको हल्का सा गर्म पानी में बॉईल करके हल्का सा नमक डाल के इनको रख लिया है। अभी मैं लगाती हूँ तड़का। अभी मैंने देखिए इसमें 2-3 चम्मच तेल डाल दिया है और उसके बाद एक इलायची डाल दी है और अभी हम डालेंगे इसमें जीरा। अभी जीरा फ्राई हो जाएगा हमारा और अभी हम इसको स्लो गैस पे भुनने देंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सरसों और अब हम इसमें डाल देंगे। देखो हमारा जीरा भुन गया है और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा दालचीनी के टुकड़े और जब हमारे ये फ्राई हो जाएंगे उसके बाद में हम डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता। ये देखिए भुन रहा है हमारा अच्छे से। अगर हमने दालचीनी का टुकड़ा बड़ा डाला है तो हम उसको थोड़ा सा दबा के अच्छे से फ्राई कर देंगे उसको। अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा जिंजर गार्लिक जो हमने क्रश करके रखा है। थोड़ा सा गैस स्लो कर लेंगे। उसके साथ ही हम डाल देंगे करी पत्ता। करी पत्ता थोड़ा सा केयरफुल डालें क्योंकि जब पानी में धो के उसको रखते हैं तो थोड़ा सा वो चिड़चिड़ करने लगता है, तो उससे थोड़ा सा केयरफुली डालें। करी पत्ते के तुरंत बाद ही हम डाल देंगे जो हमारी ऑनियन कटी हुई हैं। हम आराम से उसको बहुत इजीली हम ऑनियन कट डाल देंगे। इसमें हल्का सा नमक डालेंगे जिससे कि हमारी जो ऑनियन है, हमारी प्याज है, थोड़ा जल्दी वो फ्राई हो जाएंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और इसी के साथ हम डाल देंगे हरी मिर्च जो हमारी लंबी कट करके हमने रखी हैं। देखिए मैंने लंबी कट करवा ली हैं और इसको लंबी कट करके डाल देंगे और हम इसको कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे जिससे कि हमारी प्याज सारी अच्छे से भुन जाए, कोई हमें प्रॉब्लम ना आए और हल्का ब्राउन होने दें। अभी हम इसको 30 सेकंड के लिए पूरी प्याज हम फैला देंगे कढ़ाई के अंदर और अच्छे से फिर इसको फैला के 30 सेकंड तक इसको पकने देंगे। देखिए हमारी ऑनियन जो है हल्की ब्राउन हो गई हैं। हम जितनी अच्छे से फ्राई करेंगे ऑनियन को खाने का टेस्ट उतना ही बढ़ जाएगा। पूरा खाने का टेस्ट डिपेंड करता है ऑनियन के ऊपर। ऑनियन अगर हम अच्छे से फ्राई करेंगे तो खाने में उतना ही टेस्ट आएगा, बहुत लजीज बनेगा। देखिए हमारी प्याज भून के रेडी हो गई है, बिल्कुल ब्राउन हो गई है। सभी प्याज हमारी ब्राउन दिख रही हैं, कोई भी प्याज हमारी कच्ची नहीं है। अभी इसके बाद में हम डाल देंगे टमाटर। देखिए जो हमने कट किए हैं वो टमाटर डाल देंगे और उनको अच्छे से चला देंगे। अभी हम इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे और नमक डाल के हम इसको थोड़ा सा चला देंगे। देखिए अभी हमारे टमाटर पक जाएंगे अच्छे से। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारे टमाटर पक गए हैं? जब हमारे टमाटर तेल छोड़ने लगे, थोड़ा नरम हो जाए, तेल छोड़ने लगे तो समझ लीजिए हमारे टमाटर पक रहे हैं। उसमें वापस तेल दिखने लगता है कढ़ाई में तो समझ लीजिए टमाटर पक रहे हैं। इसको 30 सेकंड के बाद में हम फिर से चला देंगे।
देखिए अभी हमारे टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं और अच्छे से दिख रहा है कि हमारे पक गए हैं। देखिए अभी अब हम स्लो कर देंगे अपनी गैस को और इसमें डालेंगे जो हमने कैरेट कट करके रखी है, इसमें हम अपनी गाजर और ये कैप्सिकम शिमला मिर्च डाल देंगे और इसको चला देंगे अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मटर मिक्स कर देंगे। हम इसको अच्छे से चला देंगे और जो हमारी भुनी हुई ऑनियन है और जो हमारा मसाला है वो सब ऊपर कर देंगे और जो ये हमारी वेजिटेबल हैं ये सब हम नीचे कर देंगे अच्छे से मिक्स करके, और इसको 2 मिनट के लिए और ढक के रख देंगे 2-3 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा जो भी हमने ये फ्राई किया है वो सारा सब्जियों के अंदर उसका टेस्ट चला जाए और वो सारी सब्जियां उस मसाले को एब्जॉर्ब कर लें और थोड़ी अच्छे से पक जाए। हमारी 80% पक जाए हम उसको बीच में जगह बना लेंगे और ऐसे हम इसमें ये डाल देंगे थोड़ी सी सोया सॉस डालेंगे इसमें हम थोड़ा, और इसमें थोड़ी सी चिली सॉस डाल देंगे बीच में जगह बना के, और थोड़ी सी हम ग्रीन सॉस डाल देंगे, ग्रीन चिली सॉस डालेंगे और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। उसके बाद हम चला देंगे अच्छे से चला देंगे इसको, इसको सबको मिक्स कर देते हैं। देखिए हमारी सब्जी का कितना अच्छा कलर हो गया है, सारी सब्जी पक चुकी है हमारी। अभी हम 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे फिर से, जिससे कि हमारा ये सोया सॉस वगैरह का टेस्ट सब्जी के अंदर चला जाए। अगर देखिए हमारी सोया सॉस अगर नीचे लग जाए तो हल्का सा 2-3 बूंद पानी डाल दीजिए और इसको चला दीजिए। अभी देखिए हमारी सब्जी सारी पक गई है और हम सब्जी को थोड़ा साइड में करेंगे और इसके ऊपर हम थोड़े थोड़े तोड़ के देखिए इस तरीके से नूडल्स डालेंगे और थोड़ा चला देंगे इसको। थोड़े से नूडल्स डालने के बाद में हम सब्जी को चला देंगे। बाद में जितना भी हमारा नूडल्स बचा है वो भी डाल देते हैं। अभी हम फिर इसको अच्छे से चला देंगे। इसमें अच्छे से सब्जी मिक्स करना है। इसको फिर ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए स्लो आंच पे ही, जिससे कि हमारे सारे नूडल्स के अंदर इसका वेजिटेबल का फ्लेवर चला जाए। अब हम इसको खोल देंगे और देखिए हमारा अच्छे से नूडल्स गरम हो गए हैं, और अब हम गैस बंद कर देंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे देखिए, और उसको अच्छे से चला देंगे। ये हमारे हो गए नूडल्स रेडी, अब डालते हैं प्लेट में। तो देखिए हमारे नूडल्स बनके रेडी हो गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, अब हम इन्हें सॉस के साथ खा लेंगे। तो आपको हमारे नूडल्स कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की हमारी ब्रेकफास्ट नूडल्स प्लेट कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।